हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम समझो का जारी है। तो आज की क्लास में पाठ जो समझना सी वो एक्सरसाइज 6.4 हले पी जे जो क्वेश्चन नंबर 3 समझो। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया समझ जला, रेडी आयो? रेडी ना तो रेडी थी वो मैंने कॉपी एंड पेन पास संग रखो, रिलैक्स थी कर फुली कंसंट्रेशन से समझो। तो जी हाँ, शायद समझ में अचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, कंसंट्रेशन से ताकि समझनो आए, वैन हो आए। तो जी इजी ता समझी सको, सीखी सको, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्टिंग दा समझू दा छा दे पियो छा फाइंड करनो आए, ठीक है। सबसे तो इफ इन जीपी ज्यामितीय प्रोग्रेशन में जे प्लस के टर्म इज एक्स, ज्यामितीय प्रोग्रेशन जो प्रॉब्लम आया चुको था, जे प्लस के टर्म जो आए वो एक्स है एंड जे माइनस के टर्म इज वाई, माने बट टर्म दे दो, प्रूव दैट जे टर्म इज रेडिकल एक्स वाई। तो मान के प्रूव करना है तो जे टर्म जो आए वो रेडिकल एक्स इनटू वाई की, मान प्रूव करना है, माने बट टर्म दे दो एंड जे टर्म प्रूव कर देखा ना समझ आंसर ही सही। हां देखो, प्रूव दैट चेक करो, ध्यान प्रूफ लिखो, सॉल्यूशन को लिखो या शेटा के जेड रख लिया है। एंड सो गिवन छा है, गिवन में आ रहा है तो जे प्लस के टर्म जो को आए वो एक्स के बराबर है, जे प्लस के टर्म इज एक्स एंड जे माइनस के टर्म जो को है वो वाई के बराबर है, जे माइनस के टर्म इज वाई, ठीक। एंड को टू प्रूव पार्ट के प्रूफ छा करना है तो जे टर्म जो को है प्रूव दैट जे टर्म इज रेडिकल एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई ही प्रूफ करना है, ठीक। जो क्वेश्चन दे दो उन क्वेश्चन के लिखे हुआ तो जी पास सिंपलीफाइज ही कर सकते, क्लियर है? आई समझ में तो वही रिपीट किया तो समझो, जे प्लस के टर्म एक्स के बराबर है, j माइनस के टर्म y के बराबर है, ऐसा के प्रूफ करना है तो j टर्म जो को रेडी करना है सिंपल y के बराबर को j, क्लियर है, ठीक। अरे यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सब कुछ है, छा में यार जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गए, ठीक है। कोशिश करने को सागर प्रॉब्लम जी को यहां क्वेश्चन नंबर 2 समझो आए जैन में मन वांगे थे बट हम ने तो वे प्रथम प्रूफ करना जीपी में, जीपी में प्रूफ करना है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज करवा। सो As we know, nth term of geometric progression is equal to ar power n minus 1. यह nth term geometric progression के मुताबिक इन फॉर्मूला के साथ कब हो? इन जी मुताबिक। और इसे जी मुताबिक साथ कब हो? मैंने पार्ट के बाद टर्म ले लो j plus k टाइम जिला for j plus k term k सिंपलीफाई करो। ठीक, माना n की जगह पे छा है, n जगह पे j plus k आए, एंड सो t j plus k equal to a r power n, n की जगह पे जीरो j plus k n minus 1 सेम, सिर्फ पान छा गए हो n की जगह पे वैल्यू लिख लीजिए, ठीक। तो j plus k का छा के बराबर मिल रहा है x, n की जगह पे जीरो x equal to a r power j plus j k minus 2 1 trait alag alag term hai that is same by i question number 1 thi i got samjhe clear hai theek hai gaur se samjho to acha samjh mein nahi samjho wahi sare question j plus k term hai to very similarly j minus k from k bhi same process or value kabo theek and so j माइनस के टर्म इज इक्वल टू ए आर फॉलो सेंटली यूज कर एन की जगह पे हाने होते दो जे माइनस के माइनस 2 1 एन जगह जे माइनस के माइनस 1 फॉर्म है, ठीक है। जे माइनस के टर्म सारे बराबर मिल रहा है वाई जे, सो वाई इक्वल टू ए आर पावर जे माइनस के माइनस 2 1 सेम आए एन जो नाम है इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है? इसमें आई बात समझ में, ठीक है। वही रिपीट क्या दो थारो लिख छा के हुआ है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो देखो जनरल फार्मूला है, उन जनरल फार्मूला के मुताबिक
j plus k term and j minus k term के evaluate करो। g मतलब सब मार्क करो एक क्वेश्चन में जो 1 एंड 2 जनरलिस ठीक चलो हर छा का वो हर मार्क प्रूफ नीचे का है के ये तो तरसो क्वेश्चन 1 एंड 2 तारे सामने वाले इक्वेशंस की जे सिंपलीफाई वेलो तेरे जे ही टर्म मिले दिमाग से थोड़ा जोर दियो सोचो भला तरसो क्वेश्चन 1 एंड 2 ही x इक्वल टू दिस वन y इक्वल टू दिस वन प्रूफ करना है हमें j टर्म इज इक्वल टू इसको x मल्टीप्लाई बाय y x से y भी छापे था मल्टीप्लाई था तब वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिने के पार्ट में सा मल्टीप्लाई करदा से तो लेफ्ट हैंड साइड सा मल्टीप्लाई थे तो राइट हैंड साइड सा मल्टीप्लाई होगी अच्छे थी गल समझ में सही है तो बिने इक्वेशन के पार्ट में मल्टीप्लाई करदा से तो देखो की मल्टीप्लाई थे तो की टर्म पार के मिले तो वो सा समझूंगा सो नाउ we multiply equation 1 with 2 we get equation 1 ke equation 2 sa multiply kar sakte theek hai so hane equation 1 ka liya hai question 1 aaya x is equal to a r power x equal to a r power j plus k माइनस वन ये इक्वेशन नंबर वन ठीक इक्वेशन नंबर टू से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो वाई आता है लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो ए आर पावर दे आई जे माइनस के माइनस वन जे माइनस के माइनस वन तो दे जे प्लस के माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई की गाल समझ भाई 1 एंड 2 बाय पार्ट में मल्टीप्लाई करें लिखो हाँ x into y सिंपली x y ये बाई टर्म मल्टीप्लाई था क्या तो a के पाने a से कितना मल्टीप्लाई a into a तो a square ठीक r आरु टर्म r वाले टर्म से मल्टीप्लाई थे लाइट टर्म से मल्टीप्लाई थे तो बेस साइन में देखो तो फिर लिखी करें पावर इन जापान में प्लस माइनस का पास j प्लस k माइनस वन प्लस कितना से जो j माइनस k माइनस वन ठीक बेस देखो तो फिर लिखो पावर आर जो होता है जी पॉइंट सभी पार में प्लस माइनस का है आई गॉट समझ लो ठीक ताकि सो एक्स वाई इज इक्वल टू ए जो मतलब स्क्वायर आर जो मतलब पावर जी के जी के लाइफ के मान पार में प्लस माइनस का जी सो जे प्लस जो हिते पे जे प्लस जो है जे प्लस जो जे प्लस होता जे में जे प्लस का नाम दो टू जे ठीक ही के माइनस जो होते के माइनस जो हिते के प्लस जो प्लस जो माइनस जो तो के में कैंसिल कर चले तो तुम क्रॉस कर चलो माने के प्लस जो के माइनस जो खत्म थी ठीक वो बचो आए 1 माइनस की साइन है हिते को वन सागर माइनस की साइन निशानी सेम है माने पार्ट में छापो प्लस का वो तो 1 में 1 प्लस करना तो 2 पर 2 माइनस जो थी दो छाजे करे निशानी माइनस की आ वही समझ में आ रही है उसके क्लियर है ठीक है सो आंसर सो x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू a पावर 2 इनटू r जो मतलब जो पावर है n में 2j माइनस 2 तो पहले मां पार्ट 2 कॉमन j के कट हो ताकि j माइनस जो 1 बचो तो 2 कॉमन कंडीशन क्लियर है इसको ठीक और एक हम एंड से इन साइड टर्म के इन साइड पे बचो एंड a जो मतलब पावर 2 r जो मतलब 2 2 मल्टीप्लाई करते दोनों टर्म्स का टर्म के a r जो मतलब पावर j माइनस 1 2 जो को आए वो j के रहने तरीके से होल स्क्वायर में लिखो गाल सा किया जो 2 पावर बने जो मतलब सेम होयो j 1 से 2 मल्टीप्लाई करते तो 2 a जो मतलब मल्टीप्लाई में वो होल पावर बन जाए बने जो मतलब ठीक एज इक्वल टू x इनटू y सेम है क्लियर है ठीक हां ए r पावर j 1 होल पावर 2 होल पावर 2 ये 2 हटाया हुआ था की हटाया है के तो अपने मतलब होल पावर 2 हटाया हुआ पर हटाने का पैर है एंड सो इसे साइड हवा में आ जाओ तो जे टर्म जो को आया अर्थमेटिक प्रोग्रेस ज्यामितीय प्रोग्रेस के मुताबिक ए आर पावर जे माइनस 1 फॉर्म हो चलो तो फॉर्म लो करो टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 तो एन की जगह के साथ चाल तो जे तो आर जो था एन माइनस 1 माने जे माइनस 1 थी
तब सो ए आर पावर जे माइनस वन छाते बराबर लिख सको ना अपन जे जे का ठीक होल स्क्वायर है स्क्वायर साइन पाई वाई इक्वल टू एक्स इनटू वाई आई गॉट समझ में ठीक है क्लियर है इसका ही रिप्लेस कर चलो फार्मूला जो बता और तुम्हारे के सिर्फ जे का प्रूव करना है एक्स इनटू वाई रेडी कर तो जे का मतलब स्क्वायर हो पाएगा उसको हटाना पड़ो इसको हटाना पड़ो तो स्क्वायर रूट हटाएगा पाण बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बिगेट स्क्वायर रूट बिन साइड करना से जो स्क्वायर खत्म करना है हटाना है तब वो जे कम जे मथा हो स्क्वायर आए स्क्वायर रूट टेक आउट थियो x इनटू y जे मथा में स्क्वायर रूट टेक आउट थियो बिन साइड करना ठीक स्क्वायर रूट स्क्वायर तो खत्म तो जे कम इक्वल टू पान के मिलियो x y रेडिकल में सही है यो ही पान के प्रूफ करनो होयो हेंस प्रूव्ड आई गॉट समझ में क्लियर है ठीक ये मान प्रूफ कर लो ये शो कर लो सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आए गौर सा समझो देन प्रैक्टिस करो जितनी थी सके उतनी तो जितना क्लियरली स्टेप समझ में जाए सागो तरीको जी पा क्वेश्चन नंबर 2 समझो माने तरीके से आए पहले तो क्वेश्चन 1 नंबर 2 थे माने बिना के पान मल्टीप्लाई कराया हुआ मल्टीप्लाई करना था तो जो टर्म मिले हुआ है वो टर्म ताने माना प्रैक्टिस करो तो हर चीज समझ में दी सो ए आर पावर जे माइनस 1 का फार्मूला बस है मुझे बोले ए आर पावर जे माइनस 1 माने जे टर्म की वैल्यू आए अकॉर्डिंग टू द एन टर्म ऑफ जीपी तो वैल्यू रिप्लेस द एन साउंड क्लियर स्टूडेंट्स आई गॉट समझ में ठीक सिंपल है कोई लिखना है जस्ट थोड़ा गौर से ताकि समझो एंड प्रैक्टिस करें ठीक है तब हर तारे फर्स्ट से तो YouTube चैनल के जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो उनसा गड़ो गड़ बेल आइकन के प्रेस करें ऑल जे बटन के प्रेस करो ताकि हर वीडियो जो नोटिफिकेशन ताकि दो रहे एंड ना वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझो सीखो एंड कंप्लीट कर सको सो यस स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।